जी हाँ, अगले 72 घंटों के बाद जेलेंस्की को एक बड़ा फैसला करना होगा। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस को हराने के लिए उनके पास ऐसा प्लान है जिसका तोड़ पुतिन के पास भी नहीं। वो इस प्लान के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को सितंबर में सब कुछ बता भी देंगे, लेकिन पुतिन ने पिछले 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उन्हें अब बाजीगर कहा जा रहा है। रिपोर्ट में समझिए आप। रूस में ऐसी आग लगी कि पुतिन के महल में खलबली मची। मॉस्को से लेकर सारातोव, जहां जेलेंस्की के ड्रोन ने 9/11 जैसा अटैक किया, पूरा रूस दहल गया। अब रोस्तोव रीजन के कामेंस्की जिले में जेलेंस्की ने कर दिया तेल के भंडार पर यह हमला। रात के बाद दिन की तस्वीरें देखिए। ये वीडियो एक चलती हुई कार से बनाया गया है। यहाँ तेल के 3 टैंकर धू धू कर जलने लगे। हमले में 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। यूक्रेन ने ऐसे हमले करके रूस के होश उड़ा दिए हैं। अब जेलेंस्की ने निकाली है ड्रोन मिसाइल जिसका नाम है पेलनित्सिया, जिसकी रेंज 700 से 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। जेलेंस्की अब पुतिन से कहना चाहते हैं कि वो ऐसे हमलों की आदत डाल लें, क्योंकि अब वो अपने बनाए हुए हथियारों से रूस पर अंदर तक हमला करेंगे। दिन पहले ऐसा ही हमला रूस में रोस्तोव के प्रोलेतार्स्क जिले में हुआ था। ये आप देखिए और जेलेंस्की के गुस्से और बेचैनी को समझिए। हमला अब रूस के अंदर तक किया जा रहा है। जेलेंस्की घर में घुसकर मार रहे हैं। इन हमलों के बाद पुतिन ने खोली अपनी तीसरी आंख और दुनिया ने देखा कि कीव शहर कैसे धमाकों से गूंज रहा है, कैसे पुतिन की मिसाइल और ड्रोन जेलेंस्की के फेवरेट शहर को तबाह कर रही हैं। ये पुतिन का बदला है जो बहुत आराम से, बहुत खामोशी से लिया जाता है। कीव की सड़कों पर अफरा तफरी फैल गई। ऐसी इमरजेंसी तो कीव ने युद्ध की शुरुआत में भी नहीं देखी थी। कुर्स्क पर हमले के पुतिन का ये जवाब जेलेंस्की के लिए बस ट्रेलर कहा जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन ने 180 से 200 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। कीव पर 60 मिसाइलें दागी गई हैं। निकोलाइव में 47 जगहों पर हमला हुआ है। निप्रो, खार्कीव, सुमे, ज़ापोरिज़िया और ओडेसा में भी दसियों मिसाइल और ड्रोन से तबाही मचाई गई है। पुतिन ने कीव के आसपास बिजली घरों को टारगेट किया है ताकि जेलेंस्की को पता चल सके कि रूस चाहे तो उसे घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन यूक्रेन में इतनी दहशत के बावजूद खौफ रूस में भी है। पुतिन अपने कमांडरों से पूछ रहे हैं कि यूक्रेन की लगाई आग कब बुझेगी। ये आग लगाने वाले हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और इस आग में जलने वाले तेल भंडार के मालिक हैं व्लादिमीर पुतिन। इस आग को देखकर पूरा रूस दहशत में है, लेकिन इस आग को देखकर पुतिन के दुश्मन बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन पुतिन के कमांडर्स ने ऐसी तरकीब निकाली कि जेलेंस्की बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। जेलेंस्की ने जो खाई पुतिन के लिए खोदी, अब वो उसके अंदर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की ने जिस जाल में पुतिन को फंसाना चाहा, अब वो खुद उसके अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नाव पर लगी है यूक्रेन के 30,000 सैनिकों की जान, जो जेलेंस्की के एक फैसले की वजह से कुर्स्क में मौत के घाट उतारे जा सकते हैं। इस खतरे का एहसास अब जेलेंस्की के सबसे बड़े कमांडर को होने लगा है, क्योंकि पुतिन ने जेलेंस्की के जाल में फंसने की बजाय यूक्रेन के अंदर पोक्रोस्क में अपनी फौज की तादाद बढ़ा दी है। Звичайно, курська операція відволокла значну кількість його сил. Ну, на даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинуті на курський напрямок, і ця цифра зростає. Поряд з тим противник намагається знімати частини з інших напрямків, а по Кровському напрямку він навпаки збільшує свої зусилля. यूक्रेन के जनरल का बयान बता रहा है कि पुतिन ने कुर्स्क को लेकर जो बाजी चली है उसमें वो हारकर भी जीतना चाहते हैं, यानी पुतिन बाजीगर बनना चाहते हैं। और व्लादिमीर जेलेंस्की शिकारी बनने चले थे, वो खुद पुतिन का शिकार बन गए हैं। रूस के कुर्स्क पर जेलेंस्की का हमला, जलते हुए तेल के भंडार, कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा, जहां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के चीफ ने दौरा किया और बताया कि हालात गंभीर है।